पर अब तो सरकार कहती है कि आपातकालीन से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि है। वहीं दूसरी ओर पड़रिया राजधार के 6 लोगों के मकान 6 जून को भारी बारिश की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गले वाली बात है, यहाँ सरकार कभी भी भगा सकती, कहाँ जाएंगे 3 बार बच्चा लेके। तो किसी से बोल के रही होगी इस बिल्डिंग में या अपने से सामान रख के? बोले माँ साहब उनसे, वे कह रहे थे कि रहो फिर बाद में तुम्हारा मकान बन जाएगा, कराएंगे व्यवस्था तुम्हारी। राशन कार्ड है? हाँ है। कौन सा है? बीपीएल वालों? हाँ। तो वो के ऊपर कुटीर भी तो नहीं कर सका, कुटीर निकलवा लो। कहाँ लेकर रहा, कोई नहीं सुनाई कर रहा हमारी, कब से तो कह रहा है 7-8 साल हो गया, क्या अब निकाल देंगे, अब निकाल देंगे, सबसे कह रहा, कोई सुनाई नहीं कर रहा है हमारी गरीबों की। आपने सरपंच से नहीं बोला? कोई पंचायत में नहीं सुनते आपकी की जिलो? कोई नहीं सुनता हमारी, ना कोई सुनाई कर रहा, ना सरपंच कर रहा, ना कोई कर रहा है। तो इसमें आप क्या बदलाव चाहती हैं? हमारा घर बना दे, मदद दे हमको सरकार, तो हम चले जाए हमारे मकान में। अब यहाँ भी तो सुनना पड़ता सबकी बात है, दूसरे का मकान है, सरकारी मकान है। मैं और 4 परिवार के लोग चाहते हैं कि जल्द राहत राशि मिले जिससे विस्थापित किया जाए। इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि हमारे ब्लॉक के बीके सिंह अधिकारी जी, जिनका मोबाइल नंबर 7487272211 पर फोन कर दबाव बनाएं, जिससे 6 क्षतिग्रस्त हुए मकानों को जल्द से जल्द राहत राशि मिले। मैं संगीता ग्राम पड़रिया राजधार ब्लॉक बेगमगंज जिला रायसेन से इंडिया अनहर्ड के लिए।